वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडे इज टॉपिक चैनल मैसेजेस। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको चैनल मैसेजेस क्या देना चाहता है राइट नाउ। ठीक है, तो कलेक्टिव फीडिंग रहेगी, टाइमलेस फीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं चैनल मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या रहने वाले हैं। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, ओके, वेट। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं, क्या नजरिया है आपके पर्सन का, क्या थॉट, फर्स्ट थॉट आपको लेकर क्या रहता है इस रिश्ते को लेकर। स्टेबल कनेक्शन है या बहुत प्रॉब्लमिस्टिक कनेक्शन है, ये पर्सन किस तरीके से इस रिश्ते को और आपको देखता है। ठीक है, आपको लेकर इस पर्सन के माइंड में क्या चलता है। सबसे पहले देखते हैं आपके बारे में इस पर्सन के माइंड में क्या चलता है। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है। वहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट रीडिंग्स और पिक अ कार्ड। यहाँ पे डॉग की एनर्जी, ठीक है। अगर आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं उस न्यू चैनल को वॉच करने में, तो उसका लिंक मिलेगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सबसे पहले ये पर्सन आपको काफी लॉयल देखता है। ठीक है, आपके अंदर एक लॉयलिटी है जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपकी तरफ कनेक्ट करती है। चाइल्डिश एनर्जी है, मतलब एक चाइल्ड लाइक पर्सन है आप। ठीक है, इनोसेंस एनर्जी। ये पर्सन नहीं जानता आप दुनिया के लिए क्या है, किस तरीके से, लेकिन आप इसके लिए बहुत लॉयल, ऑनेस्ट और परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पर्सन की तरह है। ठीक है, आपने कभी इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करा। इस पर्सन को एक लॉयल इंसान आपके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, एक चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी जो इस पर्सन को अपना एक चाइल्डहुड याद कराती हो। ठीक है, ओके, आपके पर्सन और क्या सोचते हैं आपके बारे में। एक लॉयल इंसान, मून की एनर्जी है, काफी डीप सोल, इमोशनल सोल, कनेक्टेड सोल। ठीक है, आपके पर्सन आपको काफी इंट्यूटिव देखते हैं। ठीक है, इंट्यूटिव देखते हैं, साइलेंट देखते हैं। आपको मून देखना पसंद हो सकता है, या आप मून देखकर कोई ना कोई प्रेयर करना। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं मून मून को देखकर बहुत ज्यादा, जैसे कि विश मांगना या कनेक्ट रहना, बहुत देर तक मून को बैठकर देखना आपके पार्टनर को, एक नाइट टाइम का जो एक मोमेंट होता है वो बहुत पसंद है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको काफी डीप देखता है मून की तरह। ठीक है, और बहुत पीस देखता है आपकी पर्सनालिटी में। एक मेडिटेशन और एक पीस हीलिंग मिलती है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आपकी प्रेजेंस उस पर्सन की लाइफ में। जैसे कि मून एक सुकून का वो देता है, हल्की हल्की चांदनी रात होती है और सुकून होता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत साइलेंट मून वाली एक टाइप एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर बहुत उतने ही गहरे, जितने आप खूबसूरत हैं उतने ही गहरे हैं आप। ठीक है, उतनी ही गहराई है आपकी सोचों में, आपके थॉट्स में, आपके बोलने के तरीके में। तो आपको ये पर्सन काफी गहरा इंसान समझता है। ठीक है, काफी इंट्यूटिव पर्सन समझता है, इंट्यूटिव समझता है, गहरा इंसान समझता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मिस्टीरियस पर्सनालिटी भी समझते हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं, मिस्टीरियस पर्सनालिटी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आप हाइड करते हैं। ठीक है, इस पर्सन से शायद आपके अंदर और भी कुछ है जो आप छुपाते हैं इससे, कुछ ना कुछ मिस्टीरियस काइंड एनर्जी। थोड़ा सा आपके पर्सन को आपको और जानने का मौका मिले तो आपके पर्सन आपको और जाने। ठीक है, आपके पार्टनर को लगता है बहुत कुछ है आप में जानने को। जैसे कि जब ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देता है या बहुत ज्यादा आपसे आप में इंटरेस्ट लेता है, तब इसको कुछ और आप कुछ नए तरीके से इम्प्रेस करते हैं। फॉक्स, हाँ, थोड़ा सा इस पर्सन को ऐसा लगता है आप चीजें छुपाने में माहिर हैं। जैसे अपने अंदर का दुख, गम, कोई कोई चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, इस चाहे इस कनेक्शन से रिलेटेड क्यों ना हो, आपने आपको अपने अपने अंदर को हाइड करना आता है, आपको अपने इनर सेल्फ को छुपाना आता है। ठीक है, अपने आप को मार के या अपने आप को एक डिस्टर्ब करके, या एक कॉफिन की एनर्जी है, मतलब कि चीजें खत्म या चीजें एंडिंग या चीजें, मतलब कि आपने कभी कोई कंप्लेन नहीं करी। ठीक है, इस पर्सन ने आपको कैसे भी रखा, आप रिश्ते में कैसे भी रहे, कंप्लेनिंग नहीं थे आप कभी भी इस पर्सन के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपने बहुत कुछ, पहले आप एक खुली किताब की तरह थे, ठीक है, बहुत डीप थे, और अब ऐसा कुछ हुआ है कि आपने खुद को हाइड करना स्टार्ट कर दिया, अपनी अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने मतलब कि अपने आप को कोल्ड कर लिया, या अपने आप को साइलेंट कर लिया आपने इस पर्सन से। ठीक है, ओके, आपके पर्सन आपको एक स्मार्ट पर्सन की तरह भी देखते हैं। जब जहां चाहे आप अपनी स्मार्टनेस को चला सकते हैं, मतलब कि आप एक ब्रेन भी है आपके अंदर, ब्यूटी विद ब्रेन। आप जहां लॉयल रहना चाहें वहां लॉयल रह सकते हैं, और जहां आप साइलेंट होना चाहें और बिल्कुल साइड लाइन होना चाहें, तो आप वहां अपना ये वाला सेल्फ भी यूज कर सकते हैं। रिंग,
इस पर्सन को आप मैरिज मटेरियल लगते हैं, ठीक है, कमिटमेंट के लिए, फैमिली के लिए, फैमिली में ऐड करने के लिए, एक फैमिली बनाने के लिए परफेक्ट स्पाउस और परफेक्ट पर्सन दिखते हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको आपकी इमेज इस तरीके की इस पर्सन के माइंड में, लेकिन राइट नाउ कुछ आप खामोश हैं, किसी तरीके के चेंजेस आपके अंदर आए, किसी तरीके का, जैसे कि आप अब अपने अंदर के सेल्फ को हाइड करना बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, ठीक है, अपने अंदर से आपको आपको क्या चीज हाइड करनी है बात आपको कहीं ना कहीं समझ में आ चुकी है। लेटर, ये पर्सन आपको कुछ लिखना चाहता है, कोई बात कहना चाहता है, कुछ आपको बोलना चाहता है ये पर्सन, और वो मैसेज, वो लेटर, वो ईमेल आपको शायद बहुत जल्द पहुंचेगी, जैसे कि जिस चीज का आपको इंतजार है, ठीक है, वो चीज आपको मिलेगी, ठीक है। कोई ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में गुड लक की तरह लेता है, देखिए सन की एनर्जी है, आपको वो गुड न्यूज, आपको वो लेटर, आपको वो मैसेज इस पर्सन की तरफ से कुछ मिलेगा। ये पर्सन आपको किसी तरीके की क्लैरिटी देगा या किसी तरीके की एक्सप्रेसिव एनर्जीज आपको इस पर्सन से देखने को मिलेंगी, कुछ आपको कहेगा, ठीक है। ट्री, ये पर्सन आपको ट्री की तरह देखता है, बहुत मजबूत पर्सन, ठीक है, की आपके पास इस पर्सन के दिल की चाबी है, ठीक है। ये पर्सन एक ट्री, फैमिली ट्री, इस पर्सन को लगता है आपके साथ एक फैमिली ट्री बनाया जा सकता है, आप एक परफेक्ट लेडी या तो परफेक्ट परफेक्ट आप एक स्पाउस या परफेक्ट पर्सन की तरह है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, परफेक्ट मैन या परफेक्ट स्पाउस की तरह है, ठीक है। लेकिन अभी चीजें ये हाइड कर रहा है आपसे, ठीक है, अपनी लाइफ में किसी अर्निंग का या किसी गुड लक कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ इसकी लाइफ में मनी रिलेटेड या कोई ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहा है, मतलब के एक ट्रांसफर हो रहा है, कहीं किसी और सिटी जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कहीं अर्निंग को लेकर इसकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, कोई इसका कोई जैसे कि इसको कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि इसको कुछ होप है, कहीं अपनी लाइफ में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स इसको मिलने वाले हैं, कहीं इसने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है वो इन्वेस्टमेंट, वो रिजल्ट इसको मिलना जरूर है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर इस कनेक्शन को कैसा देखते हैं, अब देखते हैं। लेकिन आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इस पर्सन से जरूर रिसीव होगा, इसमें उसमें बहुत सारी क्लैरिटी होगी, जिस चीज को लेकर आप कंफ्यूज और साइलेंट हो चुके हैं, आप इस पर्सन की तरफ एक्सप्रेसिव नहीं होते या आप कनेक्ट नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि बेकार है आपका बोलना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने खुद को बहुत बोला, बहुत समझाया, बहुत आपने इस पर्सन को समझाने की कोशिश करी, अब आके आपने अपने आप को साइलेंट कर लिया, अब आप कन्फेस नहीं करना चाहते, अब आप कुछ बोलना नहीं चाहते, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को किस तरीके से देख रहे हैं, आप लोग के बीच क्या हो सकता है आपके पर्सन की नजर में, इस कनेक्शन की एनर्जी आपके पार्टनर की नजर में क्या है। नॉट इनफ, ठीक है, यहाँ पे है फ्रस्ट्रेटेड रहा ये रिलेशनशिप, जो हुआ वो जिस पर्सन ने आपको जो कुछ भी दिया वो इनफ नहीं था, ठीक है, मतलब के फ्रस्ट्रेटेड रिलेशनशिप रहा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा आपके पर्सन की तरफ से, सेल्फ सबोटच रहा, फियर, ईगो इश्यूज, जेलसी, आप लोग के रिलेशनशिप में पास में ही सब कुछ चला है, आप बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं है, इसमें आपके पर्सन का ईगो बहुत था पास्ट में, आपके पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, वादा ईगो थी, जालसी थी, वादा मतलब कि कंपटीशन टाइप रिलेशनशिप था, रनर, ये पर्सन पास्ट में इस रिश्ते से भाग रहा था, ठीक है, कनेक्ट नहीं था, यहाँ पे रनर की एनर्जी है, कोडिपेंडेंट होने वाली एनर्जी, ये पर्सन आपको एक कोडिपेंडेंट पर्सन की तरह देखता था, जैसे आप इमोशनली डिपेंड हो जाए तो आप एक डिटैच ना हो पाए, ठीक है। यहाँ पर है फियर ऑफ इंटीमेसी, ठीक है, यहाँ पर है लिसनिंग टू ईगो, इस पर्सन ने बहुत ईगो को अपने तरजीह दी, ईगो को वैल्यू दी, बहुत जेलसी इशू, बहुत फियर रहना, ये रिश्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं क्यों इन्वॉल्व करूँ, मैं क्यों इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करूँ, फ्रस्ट्रेशन थी आप लोगों के बीच, कुछ भी बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। यहाँ पर ये रिश्ता बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजरा है, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी एनर्जी चेंज हुई है आपकी, इसलिए हुई है, आप इसलिए साइलेंट हुए क्योंकि आपने बहुत टाइम तक जैसे कि इसको चेज किया है, आप को डिपेंडेंट थे इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर है न्यू फेस रिकंडल, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे है चेंज माइंड, आपके पर्सन का माइंड इस रिश्ते को लेकर चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, किसी तरीके का चेंज आ रहा है आपके पर्सन के माइंड में, लेकिन यहाँ पर टाइम नीड टाइम, टेक टाइम इन टाइम साइकिल, ठीक है, इन टाइम साइकिल, टाइम टू हील प्रोग्रेस, ठीक है, टाइम प्रोग्रेस करेगा, न्यू फेस टाइम के साथ आप लोग को देखने को मिलेगा, न्यू चीजें आपको इस रिश्ते में टाइम के साथ देखने को मिलेंगी। कॉफिन की एनर्जी दोबारा है, चीजें कुछ खत्म हो चुकी हैं, एंडिंग्स और बिगनिंग, कुछ आप लोग की बीच एंडिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग, ग्रो, चेंज एंड ट्रांजिशन, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांजिशन हो रही है, कुछ चीजें चेंज हो रही है, न्यू फेस स्टार्ट हो रहा है, होते होते टाइम लगेगा, सडन स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे है अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉल इन लव, ये पर्सन आपके साथ एक फॉल इन लव, कुछ जो रिवील आपको होगा इस पर्सन की लव फीलिंग्स होंगी, शायद आप ट्रस्ट कर पाए ना कर पाए, लेकिन जो ये न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है वो एक
मतलब कि वो एक ऐसा फेज स्टार्ट होगा जिसमें एक बैलेंस होगा, ठीक है, एक बैलेंस रिलेशनशिप होगा, है मर सेल्फ सबोटच एंड ये पर्सन आपके साथ जो है ना एक बिल्कुल चेंज पर्सन बनकर मिलना चाहता है, ठीक है। इसने आपके साथ ये हैमर हैमर चीजों को बार बार तोड़ा है, चीजों को बार बार डिस्टर्ब किया है, ठीक है। अपने अब मतलब कि अब इस पर्सन की प्रायोरिटीज कुछ और थी, अपना काम, अपना कैरियर, अपनी अपना ईगो, अपनी लाइफ, ठीक है। इस पर्सन के लिए प्रायोरिटीज इसकी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये पर्सन उस माइंड सेट से बाहर निकला है, ठीक है। थोड़ा सा स्नेकी बिहेवियर था, लेकिन आप लोग की रिलेशनशिप में अब लव वाली एनर्जी, अनकंडीशनल लव है। यहाँ पर आप लोग का रिलेशनशिप एक अबंडेंस, एक लव, पैशन से गुजरने वाला है। आप अपनी लाइफ में पैराडाइज टाइम देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि आप लोग का रिलेशनशिप एक जॉयफुल हैप्पीनेस, आप इस प्लेफुलनेस फील करेंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर केमिस्ट्री आप लोग की बनने वाली है, लव यहाँ पर फील होने वाला है, अट्रैक्शन बढ़ने वाली है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स आपको इस रिश्ते के लिए डिवाइन की तरफ से दी जा रही है। उसको एक्सेप्ट करिएगा, उसको एंजॉय करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे चीजें की एक की, यहाँ पे कुछ दरवाजे, कुछ मतलब कि कुछ दरवाजे खुले हैं अब, ठीक है। अब वो किसी भी वजह से बन हो सकते हैं, किसी की कास्ट, किसी की फैमिली, किसी का ओल्ड माइंडसेट, किसी का एक टॉक्सिक कनेक्शन पास्ट में जो फील करा वो इस रिश्ते पे इम्प्लीमेंट वो इंसान करता रहा, ठीक है। मतलब कि कुछ कुछ लाइफ में डिफिकल्टीज से गुजरा है आपका रिलेशनशिप। शिप्स आपकी आगे बढ़ रही हैं, पॉजिटिविटी का साइन होती है शिप्स फिश, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि सफर अब आगे बढ़ रहा है, जो स्टैग्नेंट एनर्जी थी वो रिमूव हो रही है, जो टॉक्सिसिटी थी वो रिमूव हो रही है इस कनेक्शन से, ठीक है। आपके पार्टनर अगर कोई मतलब कि आपके पर्सन अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहेंगे, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज होगा। क्लैरिफाई नॉर्थ एल्फ, मैंने नॉर्थ एल्फ को क्लैरिफाई करेगा करा था, मेरा पार्टनर टॉक्सिक था। देखें आपके पर्सन का पार्टनर कोई टॉक्सिक था, आपके पर्सन के अंदर रिलेशनशिप को लेकर एक टॉक्सिसिटी भर चुकी थी, ठीक है। आपके पार्टनर एक टॉक्सिसिटी से गुजर रहे थे, टॉक्सिक माइंडसेट से गुजर रहे थे। आपके पर्सन को ऐसा लगा टॉक्सिसिटी ही सब कुछ होती है, ठीक है। आपके पर्सन ने कुछ पास्ट में कोई टॉक्सिक कनेक्शन, कोई टॉक्सिक पार्टनर, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस जरूर करा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन के पास की वजह से आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज देखी हैं, ठीक है। ओके चले, आपके पर्सन का कोई पास्ट पर्सन या पास्ट पार्टनर टॉक्सिक था, या आपके पार्टनर ने आपको लेट गो करके कुछ और भी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करा, जिसकी वजह से आपके पर्सन के अंदर एक जेलसी, इगोस्टिक फियर आप लोग के रिलेशनशिप में किसी और की वजह से आया होगा, या तो आपके पर्सन के किसी पास्ट की वजह से आया। द रनर, क्लैरिफाई द रनर, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ, क्लैरिफाई द रनर। आपके पार्टनर अभी आपको क्या कहना चाहते हैं, हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था इसलिए आप लोग इस रिश्ते से भाग रहे थे, एक टॉक्सिसिटी थी आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत टॉक्सिक कनेक्शन, आप लोग बहुत टाइम से एक टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हैं। आप दोनों के बीच एक टॉक्सिसिटी, को डिपेंडेंसी, रनर चेजर का गेम, एक माइंड गेम खेलना, आपके पर्सन की तरफ से एक ईगो इशू होना, बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्शियस होना, और आपकी सेल्फ डाउन, सेल्फ डिग्रेड करना, या सेल्फ के साथ आपके मतलब के आपके साथ मिसबिहेव करना, आपको डाउन फील कराना, या आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपके पर्सन की तरफ से ये सब कुछ चल रहा था। आपके पर्सन ने कोई टॉक्सिक कनेक्शन अपनी लाइफ में फेस जरूर करा है, ठीक है। जो ये टॉक्सिसिटी आपके पर्सन के अंदर आपको फेस करने को मिली है, आपके पर्सन ये किसी और रिश्ता या किसी और कनेक्शन की वजह से आए थे। सेल्फ सबोटाज दी हैमर, क्लैरिफाई। आई एम कन्फ्यूज अबाउट दिस सिचुएशन, ये पर्सन बहुत टाइम तक तो कन्फ्यूज रहा है, आप लोग का रिश्ता बार बार टूटता बनता रहा है इसलिए क्योंकि कन्फ्यूज रहा है, आना जाना एक दूसरे के साथ, फिर कम्युनिकेशन हो जाना, फिर डिस्कनेक्ट हो जाना, तो ये सिचुएशन इसलिए चलती रही क्योंकि ये पर्सन समझ नहीं पा रहा था इस रिश्ते में आना आगे होना क्या है, आप लोग के बीच क्या डिसाइड होगा, या आप लोग के बीच क्या होगा, ठीक है। इस रिश्ते से क्या चाहिए यहाँ पर, या ये रिश्ता आया क्यों है। आप लोग के सेल्फ, आप लोग के सेल्फ को जो है ना इंक्रीज करना था और आगे बढ़ना था। क्लैरिफाई द फोनिक्स, न्यू फेस, रिकंडल, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हारी लाइफ में हमेशा से मैं ऑप्शन की तरह थी, आपको ऐसा लगता है आप इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शन की तरह थे, आपने अपने अपना रास्ता आपने डिफरेंट करा है, अपना रास्ता आपने अलग करा है, आपने डिसाइड किया आपको अपनी लाइफ में न्यू लाइफ चाहिए, ठीक है। ओके
आपने अपने माइंड को चेंज करा है, आपका माइंड चेंज हुआ है, आपको एक बात समझ में आई, ये पर्सन आपको एक मतलब के ऑप्शन की तरह ले रहा है, आपको अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ का है, मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ, क्लॉक का टाइम, यहाँ पर नीड टाइम हीलिंग, जैसे जैसे हीलिंग हो रही है, साइकिल क्लोज हो रही है, आपके पर्सन आपको मिस करने लगे, आपके पर्सन आपको याद करने लगे, कॉफिन एंडिंग, न्यू बिगनिंग एंड ग्रोथ, माइंड चेंज, ट्रांजिशन, हम फिर मिलेंगे। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप लोग के बीच एक दोबारा न्यू बिगनिंग होगी, आप लोग दोबारा मिलेंगे, चीजें आप लोग के बीच एक बेहतर सिलसिले की तरफ जाएंगे, अनकंडीशनल लव एंड गिविंग रिसीविंग अफेक्शन। आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे टॉरस का कार्ड आया है, जेमिनी का कार्ड आया है, आपके पर्सन या आप हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, नो मोर गिल्ट, आपके पर्सन और गिल्ट में नहीं रहना चाहते, ठीक है, आपके पर्सन को किसी चीज का गिल्ट है, क्या तुम मुझे भूल गई, आपके पर्सन आपको लेकर अनकंडीशनल लव में ऑपरेट कर रहे हैं, लव अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, ये पर्सन इस रिश्ते को निभाना चाहता है, ठीक है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है, ये पर्सन जानता है इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ये इस रिश्ते में एक अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना या आपके साथ कुछ, वी कॉन टॉक, ये पर्सन कैन वी टॉक, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, कैन वी टॉक, ठीक है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहता है, द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि टाइमिंग राइट नहीं है, शायद अगर अभी आप लोग की बात नहीं हो रही तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ टाइम और हीलिंग की ज्यादा नीड है, या हम लोग को एक राइट टाइम पे बात करना चाहिए, लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा हुआ, आप लोगों ने गलत टाइम एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट करी, शायद आप लोग के बीच एक टॉक्सिक साइकिल, एक टॉक्सिक टाइम स्टार्ट होना था, ठीक है, आई लुक फॉर एवरीवेयर, ये पर्सन आपको हर जगह देखता है, हर जगह ढूंढता है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन फील है आपके पर्सन के अंदर, आपके अंदर गिल्ट है कि आपने इस इंसान को चूज करा, ऐसे इंसान पे इतना टाइम दिया जिसको कुछ समझ ही नहीं आया, जिसको कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ, उसने करा क्या है, उसको इस रिश्ते में करना क्या चाहिए था, ठीक है, ओके, टॉरस जेमिनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और भी साइन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये साइंस आए हैं, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इस साइन की, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन आपको जो मैसेजेस देना चाहते हैं वो ये थे, मैंने आपको बताया, अब देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे टैरो आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहना चाहेंगे, थिंक अबाउट योर पार्टनर, मेरे व्यूवर के पर्सन अगर मेरे व्यूवर को कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या मैसेजेस होंगे, आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ, ओके, एडिक्शंस, ये पर्सन नेगेटिव एडिक्शंस, ये किसी डार्क साइड पे था या डार्क, बहुत ज्यादा डार्क किसी टॉक्सिक कनेक्शन में था, ये पर्सन उस चीज से सक्सेसफुली बाहर आ रहा है, ठीक है, किसी टॉक्सिक, किसी नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन को लेट गो कर रहा है, ये पर्सन फर्स्ट स्टेप ले चुका है उस एडिक्शन से बाहर निकलने का, उस डार्कनेस से बाहर निकलने का, लेकिन साइलेंट है, ये पर्सन वो चीज हाइड करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जो भी टॉक्सिक एडिक्टिव कनेक्शन था, इस पर्सन ने उस चीज को हाइड रखा, हमेशा आपसे छुपाया, ठीक है, शायद आप इसने आपको अपना काम कैरियर का बहाना दिया होगा, ठीक है, ये पर्सन हील हो रहा है उस सिचुएशन से निकल कर, सक्सेसफुल ये पर्सन उस चीज से बाहर निकल चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इसके अंदर, ठीक है, उस चीज ने इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कर दिया था, इस पर्सन को हील होने की जरूरत है, ये पर्सन जैसे कि टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, क्योंकि आपके साथ ये बहुत कुछ गलत कर चुका है उस सिचुएशन की वजह से, ठीक है, जो भी इसने किया वहां पर, जो ये उस जगह जो करेक्ट था, इसने आपको बड़ा मैनिपुलेट किया, माइंड गेम्स खेले, आपके साथ एक डोमिनेटिंग एनर्जी दिखाई, ठीक है, आपके साथ एक टॉक्सिसिटी दिखाई, जबकि आप एक मैरिज मटेरियल, एक कमिटमेंट वाले पर्सन थे, एक विश फुलफिलमेंट काइंड इंसान है आप, ये पर्सन आपको होल्ड करके बैठा है, रिलीज नहीं कर पा रहा, लेकिन ये सृष्टि पे आप काम करना चाहता है, काफी मनी माइंडेड है, मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है, मटेरियल स्टेबिलिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिस्टिक चीजों को वैल्यू करता है ये इंसान, ठीक है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुली किसी टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक कर चुका है, या किसी डार्क साइड या अपनी शेडो साइड को अंडरस्टैंड कर चुका है, सक्सेसफुली बाहर आ रहा है, लेकिन कंफ्यूज है कि आपके साथ बैलेंस बन सकेगा नहीं बन सकेगा, क्योंकि बिट्रेयल, लोनलीनेस और हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट हो चुके हैं, ये नहीं जानता कि आपके साथ फ्यूचर बन सकेगा अगर ये आपको प्रपोज करे, या आपके साथ एक लॉन्ग टर्म सोचे क्या हो सकता है, थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कंफ्यूज है ये, ठीक है, तभी यहाँ पर कह रहा है द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस, ठीक है, आप दोनों के लिए अभी थोड़ी सी टाइमिंग राइट नहीं है, ये रियलाइजेशन का फेस स्टार्ट हो चुका है, टॉक्सिक साइकिल ब्रेक हो चुकी है, आप भी साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है, ये जानता है कि आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आना चाहते हैं, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई क्लैरिटी या कुछ रिवील करना चाहता है, लेकिन उसके लिए बैठा हुआ है, कुछ अपने अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, सबसे पहले
जब तक ये अपनी गलतियां अपने सेल्फ में एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये आपको आपको हील नहीं कर सकता। बहुत हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, ये पर्सन हर्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है, इसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हुई है, कहीं ना कहीं इसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, अपनी अपनी झूठी रिस्पेक्ट या अपने झूठे झूठे सेल्फ को मेंटेन करने के लिए इसने आपको हर्ट किया है, इसने आपको पेन दिया है, इसने सोसाइटी कॉन्शियस हो के आपको आपको बैक स्टेप किया है, सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी ऐसे लोगों को कोई वैल्यू नहीं करती, इसको समझ में आया जो सोसाइटी जिन लोगों को वैल्यू करती है वो लोग किसी काम के नहीं होते, वो सोसाइटी को बनाने वाले ही लोग गलत हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं और जानते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में रहा है, डार्कनेस में रहा है, इसकी एक शेडो सेल्फ है, ठीक है, और शेडो सेल्फ से बाहर निकलना बहुत प्रॉब्लमिस्टिक होता है, ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम है इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन इसने एक वन स्टेप ले लिया है कि हर चीज को पूरी तरीके से खत्म करना है, ठीक है, तो सक्सेसफुली उससे बाहर आएगा, हील होगा और एक बैलेंस बनाएगा अपने अंदर, ठीक है। पहले तो ये सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि इसने आपको पेन दिया है, पास में तो ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, इसने आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक अंडरस्टैंड कर चुका है इस रिश्ते को और लोगों को एक कंपैरिजन, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग आपके रिलेशनशिप को ब्रेक कराते हैं आपकी वैल्यू भी वही लोग समझा के जाते हैं इन बेवकूफ लोगों को, ठीक है, आपकी वैल्यू आपकी अहमियत भी वो लोग बता के जाते हैं इन लोगों को, जब वो जब इंसल्ट करते हैं और एक डिसरिस्पेक्ट करते हैं जब पूरी दुनिया के सामने, तो इनको समझ में आता है उस इंसान के साथ इतना गलत करा उसने फिर भी मेरी रिस्पेक्ट मेरी इज्जत को कहीं खराब नहीं करा, ठीक है। तो ऐसे लोग ही समझा के जाते हैं, टॉक्सिक लोग जो चक्रों में पड़ते हैं ना, जो आप जैसे लोगों को या एक इनोसेंट या तो लॉयल कनेक्शन वालों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, ये लोग इनकी अहमियत समझा के जाते हैं। अगर आप लोग अगर ये लोग ना आए ना तो आप लोग की अहमियत कभी समझ में ना इन लोगों को, ठीक है, इतना बुरा करते हैं आप लोग तो कभी करेंगे नहीं, इतना बुरा करते हैं कि समझ में आता है हाँ यार ये मेरी लाइफ का एक बेहतर इंसान था, ठीक है, अपनी अपनी चीजों पे गिल्ट होता है, अपने एक्शंस पे गिल्ट इनको ये लोग करवाते हैं। तो इस वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।